दोस्तों ये है प्लास्टिक चावल। पहले सुना था, आज देख लिया। अगर आपको मालूम नहीं है, अगर इसके बारे में अधिक जानकारी अगर चाहिए तो आपको गूगल में राइस, प्लास्टिक राइस, ऐसे प्लास्टिक राइस लिख कर इस तरह से आपको सर्च कर देना है। सर्च करोगे तो बहुत सारे प्लास्टिक राइस के बारे में यूट्यूब में आपको वीडियो अवेलेबल मिल जाएंगे, तरह तरह के, इस तरह के देख सकते हो। बहुत सारे इस तरह के प्लास्टिक राइस के बारे में यहाँ बताया गया है। दोस्तों इस तरह के प्लास्टिक राइस फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, बड़े बड़े मशीन होते हैं, उनमें बनाए जाते हैं प्लास्टिक राइस, जो सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। आपको यूट्यूब इंटरनेट में आपको बहुत सारे इसके बारे में वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो सर्च करके आप जान सकते हो प्लास्टिक राइस के बारे में। कैंसर वगैरह का है, बहुत सारे बीमारी हो सकता है इसको खाने से। मैंने आज देखा ये प्लास्टिक चावल, प्लास्टिक राइस। हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति जो चावल खरीद के लाए थे, इसमें इस तरह से मिक्स थे प्लास्टिक चावल, देख सकते हो। ये ओरिजिनल चावल से बिल्कुल अलग होता है, वो ज़्यादा वाइट टाइप के दिखता है इस तरह से, और उसका जो बनावटी होता है, जो ओरिजिनल चावल होता है, खेतों से उपजा हुआ जो चावल होता है, उनसे अलग होता है। खेतों से निकला हुआ जो चावल होता है, उसका चिकनाहट, उसका अलग ही चिकनाहट होता है, और जो बनाया हुआ होता है फैक्ट्रियों से, उसका जो उसका साइज और वो बिल्कुल अलग होता है, इस तरह से ज़्यादा वाइट रहता है। मैंने बहुत पहले सुना था और लेकिन आज देख लिया। हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति लेके आया था, उसके यूँ बोल रहा था कि उसका जो चावल है उनके कुछ अलग टाइप के दिख रहा है। तो मैंने जाकर देखा तो सचमुच ये अलग टाइप के दिख रहा था। तो इस तरह से कुछ यानी ओरिजिनल चावल में कुछ मात्रा इस तरह से फैट के मिक्सिंग करके इस तरह से सेल करते हैं। दोस्तों इसको सेवन करने से, इसको खाने से तरह तरह के बीमारियां हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लास्टिक चावल होता है वो केमिकल, तरह तरह के केमिकल से तैयार किया हुआ रहता है। तो जाहिर सी बात है इसको खाने से आपको तरह तरह के बीमारी होने के चांस रहेगा। तो इस तरह देख सकते हो, काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है ये प्लास्टिक चावल और ओरिजिनल चावल में, इस तरह से देख सकते हो। ये जो चावल है, जो इस तरह के प्लास्टिक मिक्सिंग चावल, उसको पकाने से चावल बिल्कुल ख़राब हो जाता है दोस्तों। जैसे उसको क्या बोलें, उसको दही जैसा वो हो जाता है, चावल को ख़राब कर देता है, दही जैसे एकदम घोल हो जाता है। दोस्तों मैं तो अक्सर चावल के आसपास ही रहता हूँ, क्योंकि राइस मिल चलाता हूँ तो अच्छी तरह मालूम है चावल के बारे में।